मैं भी वहीं रहता हूँ, द्वारका सेक्टर 14 में ही। अच्छा। हाँ जी। और उतनी देर से ड्यूटियाँ बज रही हैं, और वो भी कहाँ से, 3 किलोमीटर से पिकअप करना चाह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली मोटो ब्लॉग में। और निकल पड़े हैं आज फिर राइड के लिए, और हमने दोनों ड्यूटी ऑन कर ली है। और ड्यूटी बजी है सबसे पहले जनकपुरी डल सुपर स्पेशलिस्ट लाल मंदिर जनकपुरी, तो उठा लेते हैं, फर्स्ट राइड है अपनी। तो भाई अभी जा रहे थे हम पेट्रोल डलवाने, लेकिन राइड अपनी आ चुकी है और निकले ही थे घर से पेट्रोल डलाने के लिए। तो कोई बात नहीं, पहले इनको ड्रॉप करते हैं उसके बाद। गौरव सर, बैठिए सर। यहीं से मैं अंदर यू टर्न लेके आगे गया था। वहाँ से एंट्री नहीं करने देते? नहीं नहीं, वहाँ से नहीं करने देते। चले ना सर। यहाँ से सीधा भाई हमने सर को ड्रॉप पिकअप कर लिया है, और 14 मिनट दिखा रहा है 7 किलोमीटर की राइड होने वाली है। और गेट नंबर 3 पे हम चले गए थे, और 1 पे सर ने बुलाया था तो हम वापस 1 पे चले गए। तो अभी सर को पिकअप करके उनकी ड्रॉप लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे, और देखेंगे आज का दिन भाई कैसा रहने वाला है। मैं भी वहीं रहता हूँ द्वारका सन में ही। हाँ जी, अपना ये पार्ट टाइम कर लेते हैं। थैंक यू सर। ओके। तो भाई फर्स्ट राइड अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जनकपुरी में छोड़ दिया सर को। 7 किलोमीटर की राइड थी, और 7 किलोमीटर में 59 रुपीज़ बने सर के, और हमें कितने मिले हैं वो देखते हैं। तो भाई 48 अपने को मिले हुए हैं, 48 रुपीज़ हमें मिले हैं। तो अब नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं यहीं से। भाई एक और राइड हमें मिल चुकी है, द्वारका सेक्टर 9 हमें ड्रॉप करना है, और अभी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से पिकअप करना है। और उतनी देर से ड्यूटियाँ बज रही हैं, और वो भी कहाँ से, 3 किलोमीटर से पिकअप करना है। 4 लॉन्ग पिकअप सारी जो हैं आ रही हैं, तो इस चक्कर मैंने उठाया नहीं। लो जी, बंदे ने राइड कैंसिल कर दी। अब उसको खुद ही पता है कि इतना टाइम लगाएगा आने में, तो बंदा क्यों रुकेगा ये बताओ आप। तो इसी चक्कर में अगले बंदे ने राइड कैंसिल कर दी। अब इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। एक और आई जनकपुरी डल, चलो इसको उठाते हैं। आते आते एक और बजती है, और लोकेशन सेट कर लेते हैं। चलो जी, यू टर्न लेना है हमें, क्योंकि यार लॉन्ग पिकअप तो मैं खुद ही नहीं उठा रहा था इसीलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइड मेरे को मिल रही थी, और कोई 3 किलोमीटर दूर से उठाना है, कोई 3.5 किलोमीटर दूर से उठाना है, तो इस चक्कर में मैंने पिकअप नहीं करी। फिर मैंने लगा खाली खड़े होने से क्या ही है, चलो कोई नहीं एक बार पिकअप कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी ये हुआ कि अगले बंदे ने खुद ही कर दी कैंसिल, की इतनी देर लगाएगा आने में। चला ले भाई। तो पहले पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे। तो भाई कस्टमर को कॉल करते हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पे सर आप?
स्कूल के आगे। कौन सा स्कूल सर? आपकी जो लोकेशन है मैं तो उस पर खड़ा हूँ, अंदर जाके गेट के। आप बताइए कहाँ खड़े हैं, कौन से स्कूल में, मैं आ जाता हूँ। नहीं सर इसमें, नहीं सर ये मैं बता देता हूँ ना आपको, आपकी लोकेशन जो है ये अंदर जो मतलब सोसाइटी है उसके अंदर है, C2 में। हाँ जी तो वहाँ की दिखा रहा है, मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। जो मंदिर है ना उसके अगली वाली गली से, वो कौन सा मंदिर है जो, हाँ शिव जी जी की मूर्ति। हाँ जी एक मिनट सर, आपकी लोकेशन यहाँ ख़त्म हो रही है जहाँ है ना। तो सर को पिकअप कर लिया हमने, और सर की जो ड्रॉप लोकेशन है जनकपुरी धर्मा, ठीक है। चले सर एक मिनट, इस सर को ड्रॉप कर दिया हमने सर की लोकेशन पे, और 31 रुपीस बने। पेमेंट ऑनलाइन करेंगे सर, कैश कैश कर दीजिए, कोई नहीं 30 दे दीजिए अब। अच्छा ठीक है, पकड़ो। लोगों ने दिए हुए हैं ये सब। ओके थैंक यू सर। तो भाई सेकंड राइड अपने कंप्लीट होती है, और काफ़ी दूर दूर की राइड मिल रही थी हमें, तो इसलिए यही वाली पिक कर ली। मतलब दूर पिकअप था उनका, और ये भी इनको भी हमने काफ़ी दूर से ही पिकअप करा था। कोई नहीं, अब नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं, और होप करते हैं भाई पास की लोकेशन हो, क्योंकि 2.5 किलोमीटर दूर लेने गया और 1 किलोमीटर दूर इनको छोड़ा है मैंने। 31 रुपये बने हैं, उसमें से भी 10-20 रुपये ही देंगे ये हमें। एक राइड और मिली है अपने को जनकपुरी मेट्रो स्टेशन की, और पिकअप जो है वो 1 किलोमीटर से करना है, और भाई जनकपुरी मेट्रो स्टेशन पे छोड़ना है। मैं यही सोच रहा हूँ अगर आसपास ही चला चला के अगर काम हो रहा है तो दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है। और भाई मतलब राइड तो काफ़ी आ रही है, लेकिन क्या है कि 3 किलोमीटर दूर लेने जाओ, अब 1 किलोमीटर दूर लेने जाना है, और जनकपुरी मेट्रो स्टेशन कितना ही होगा वहाँ से। बताओ यहाँ पे छोड़ना है जनकपुरी मेट्रो स्टेशन और अंदर से लेने जाना है। तो भाई मैम की राइड कंप्लीट होती है, और मैम के बनते 27। ऑनलाइन करेंगे मैम। ओके थैंक यू मैम। तो भाई मैम ने पेमेंट कर दी है, और छोटी सी राइड थी एक, 27 रुपीज़ बने, और हमें कितने मिलेंगे। तो भाई 19 रुपये हमें मिले हैं, 27 में से 19 रुपये हमें मिले हैं। तो नेक्स्ट टोटल जो अर्निंग हुई है छोटी छोटी करके 89 रुपीज़ हुई है, और राइड हमने कितनी कंप्लीट कर ली, 14 राइड मिस कर दी हैं क्योंकि दूर था, और मल्टीपल 3 राइड करी हैं हमने अभी तक।
तो भाई एक और राइड मिली है और कॉल करिए हमने कस्टमर को, पूछते हैं कहाँ पे हैं अभी, कहाँ नहीं है। तो भाई एक और राइड मिली है और कॉल करिए हमने कस्टमर को, पूछते हैं कहाँ पे हैं अभी, कहाँ नहीं है। थोड़ी ऑफिस भी कर लेते हैं और पार्ट टाइम में ये भी, ब्लॉगिंग भी, सब चीज़। हाँ, OTP क्या है सर? 7745। ओके, हेलमेट लगा लेंगे। तो भाई सर को हमने पिकअप कर लिया है और द्वारका सेक्टर 14 की लोकेशन दिखा रहा है, तो निकलते हैं फिर यहाँ से सीधा ना सर। तो भाई ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं सर जी की, द्वारका सेक्टर 14, और यहाँ से हम भी अपना मतलब पेट्रोल वगैरह जो लेते हैं वो डलवा लेंगे और एक बार घर होके आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से राइड कंटिन्यू करेंगे आज, क्योंकि आज है भाई वेनसडे और वेनसडे अपना ऑफ रहता है, तो कम से कम यार 10 बजे तक तो चलानी अपने को। और भाई क्या करें, करना पड़ेगा, अगर अपनी मतलब ख्वाहिशें पूरी करनी है जैसे मर्जी करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो पहले सर को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं, उसके बाद पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से निकलेंगे राइड पे। ये सर 61 सर, ये थैंक यू सर। तो भाई सर के 61 रुपीज़ बने हैं और अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि घर के पास आ गए हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट राइड पे। क्योंकि भाई मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना आज 11-12 बजे तक चलाई जाए, 12 बजे तक रोज़ चलाते हैं 9-9:30 बजे तक, आज चला के देखते हैं 12-12:30 1 बजे तक चला ही लेंगे अगर राइड आती है फटाफट। तो भाई निकल चुके हैं एक बार फिर से राइड पे और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया, और भाई ब्रेकफास्ट करने के बाद मतलब एक बार घर चले जाओ ना, वहाँ से निकलने का तो मन नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं निकल लिया हम, मतलब जब तक थोड़ा 10-11 बजे तक चला ही लेते हैं, और जो भी आएगा अपने पास, और पेट्रोल तो डलवाना ही था, तो पेट्रोल वगैरह पहले डलवाते हैं उसके बाद निकलेंगे राइड पे। अभी ऑन है, यही तो है ब्लॉग, इन्हीं की वीडियो में हूँ मैं। 205 पे आते हैं, ये कैमरा है तो भाई राइड ऑन कर चुके हैं हम और तिलक नगर की राइड आई है अपने पास, तो तिलक नगर ड्रॉप करना है और यहीं सेक्टर 12 से पिकअप करना है। इस सर को हमने पिकअप कर लिया है सेक्टर 12 से। हाँ जी सर, बैठिए जी। तो हमें छोड़ना है तिलक नगर। हाँ, बैठ गए सर, चले यू टर्न ही लेना पड़ेगा ना। तो भाई सर को ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन करेंगे ना सर? हाँ कोई नहीं, ऑनलाइन कर दो सर। हाँ जी सर, हाँ जी आ जाएंगे।
आ जाएंगे, मतलब थोड़ी देर बाद आते हैं आगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू।